हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी तारे देखते हैं, यहाँ तक कि हमारा सूर्य भी, वो सब एक बैलेंस पावर की वजह से अस्तित्व में है। तारे बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं, जिस वजह से उनके पास बहुत ही तीव्र ग्रेविटी होती है, जिस वजह से तारा सिकुड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तारे के अंदर फ्यूल जलता रहता है और न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट और हीट के रूप में एनर्जी निकलती है, जिसे हम पृथ्वी पर फील करते हैं। तारे के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से तारे के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, जो कि तारे की सतह को बाहर की ओर धकेलता है। इंटरनल प्रेशर से उत्पन्न हुआ फोर्स तारे की ग्रेविटी से लड़ता है। जब तक तारे के अंदर का फोर्स ग्रेविटी से लड़ता रहता है, तब तक तारा बैलेंस रहता है। लेकिन जैसे ही तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस बंद हो जाती हैं, जिस वजह से तारे की सतह पर लगने वाला इंटरनल प्रेशर भी खत्म हो जाता है और अंत में जीत होती है ग्रेविटी की। हमारे सूर्य के आकार के जो तारे होते हैं, वो लगभग 10 बिलियन सालों तक चमकते रहते हैं। हमारा सूर्य 4.5 बिलियन साल पुराना है और अभी तक इसका आधा फ्यूल खत्म हो चुका है। जैसे जैसे तारे का फ्यूल कम होता जाता है, वैसे वैसे ग्रेविटी का प्रभाव बढ़ता जाता है और एक समय आता है जब तारे में फ्यूल बचता ही नहीं। उस समय ग्रेविटी भारी पड़ती है और तारे को कोलैप्स कर देती है और तारा सिकुड़कर अपनी कोर में ही समा जाता है। जब तारा सिकुड़ता है तो उसके सिकुड़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग लाइट की स्पीड का 1/4, और आधी सेकेंड से भी कम समय में एक बड़ा तारा तेजी से सिकुड़कर एक बहुत ही छोटे डेंस ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। अचानक हुए इस कोलैप्स की वजह से शॉक वेव पैदा होती हैं और तारे की अपर लेयर एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में मैटर और ऊर्जा बाहरी स्पेस में चले जाते हैं। जब तारा कोलैप्स होता है, उस समय उसकी चमक लाखों गुना बढ़ जाती है। लेकिन इन सब घटनाओं का घटना तारे के आकार पर डिपेंड करता है। अगर कोई हमारे सूर्य के आकार का तारा है, तो उसकी चमक कुछ महीनों तक अपने पीक पर पहुंचने तक जारी रह सकती है। उसके बाद तारे की चमक कम होती जाती है और तारा ठंडा होता जाता है, और कुछ सालों बाद तारे का तापमान स्पेस के तापमान के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर तारे का आकार हमारे सूर्य से 8 से 10 गुना ज्यादा हो, तो उसका फ्यूल बहुत तेजी से जलता है। फ्यूल का तेज गति से जलने की वजह से तारे की लाइफ बहुत कम होती है। जब बड़ा तारा कोलैप्स होता है, तब एक विचित्र घटना घटती है। वो तारा न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। न्यूट्रॉन स्टार का मास हमारे सूर्य का लगभग 3 गुना होता है। ये तारे काफी डेंस होते हैं और इनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा तीव्र होती है। न्यूट्रॉन स्टार अपनी एक्सिस पर बहुत तेज गति से घूमता है। तेज गति से घूमने की वजह से इनका खुद का एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इनमें से लगातार रेडिएशन एमिट होता रहता है, जिस वजह से ऐसे तारे पृथ्वी से ब्लिंक करते हुए नजर आते हैं। इन तारों को पल्सर स्टार भी बोला जाता है। धीरे धीरे कई लाख सालों में इन पल्सर स्टार की एनर्जी खत्म होने लगती है और ये सामान्य न्यूट्रॉन स्टार बनकर रह जाता है। लेकिन जो तारा हमारे सूर्य से लगभग 40 गुना बड़ा होता है, तब उसमें होने वाले सुपरनोवा विस्फोट से जन्म होता है एक रहस्यमय चीज का, जिसे हम ब्लैक होल बोलते हैं। जब सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो उससे बहुत तेज शॉक वेव पैदा होती हैं और तारे का मैटर अंतरिक्ष में बिखर जाता है और विस्फोट की जगह पर बची रह जाती है एक काली डिस्क। ये ब्लैक डिस्क ब्रह्मांड का सबसे हैवी ऑब्जेक्ट है। ब्लैक होल इतना हैवी होता है कि इसकी ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम भी इसके चारों ओर बेंड हो जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी तीव्र होती है कि अगर आप किसी ब्लैक होल के पास पहुंच गए, तो आपके लिए समय भी धीमी गति से गुजरने लगेगा। अगर आप ब्लैक होल के पास सिर्फ 1 मिनट ही गुजार कर पृथ्वी पर आए, तो हो सकता है कि आप पृथ्वी पर अपने घर को ही ना पहचान पाओ, क्योंकि ब्लैक होल के पास गुजारा गया 1 मिनट पृथ्वी पर 1 महीने या 1 साल या 10 सालों के बराबर हो सकता है। समय कितनी धीमी गति से गुजरेगा, ये डिपेंड करता है कि ब्लैक होल कितना हैवी है। ब्लैक होल का खुद का एक इवेंट होराइजन होता है, जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोलते हैं। अगर कोई भी चीज ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार कर गई, तो फिर वो हमेशा के लिए ब्लैक होल में विलीन हो जाएगी और कभी भी लौटकर वापस नहीं आ पाएगी। यहाँ तक कि लाइट भी अगर इसके इवेंट होराइजन तक पहुंच गई, तो वो भी इससे कभी बाहर नहीं निकल पाती। वैज्ञानिकों ने यूनिवर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को खोज निकाला है, जो कि यूनिवर्स में अन्य सेलेस्टियल बॉडीज को खाकर अपना मास बढ़ाते जा रहे हैं। आमतौर पर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं और इनकी ग्रेविटी इतनी तीव्र होती है कि ये अनगिनत तारों को बांधे रखते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो, ये ब्लैक होल की एकमात्र तस्वीर है।
जो कि मैसियर 87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की है। वैसे हमें ब्लैक होल से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमसे सबसे नजदीकी ब्लैक होल हमसे 1120 प्रकाश वर्ष दूर है। वेल, हम बात कर रहे थे तारे में होने वाले विस्फोट की। सुपरनोवा विस्फोट केवल तभी नहीं होता जब ग्रेविटी तारे के इंटरनल फोर्स से जीत जाती है, कई बार उल्टा होता है। तारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन बढ़ जाता है, जिससे उसके अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे पैदा हुआ फोर्स ग्रेविटी को हरा देता है और तारे में सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। लेकिन इस तरह का सुपरनोवा विस्फोट केवल बाइनरी स्टार सिस्टम में ही हो सकता है। बाइनरी स्टार सिस्टम में दो तारे एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। एक तारा धीरे धीरे दूसरे तारे के सब्सटेंस को निगलता जाता है, जिस वजह से तारा बैलेंस नहीं रह पाता और सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा ही एक्सप्लोजन 2022 में होने वाला है। स्वान कॉन्स्टिलेशन में एक बाइनरी स्टार सिस्टम मौजूद है जो हमसे 1800 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर उसमें ये एक्सप्लोजन होता है तो उस सुपरनोवा विस्फोट को पृथ्वी से कई महीनों तक देखा जा सकेगा। एक्सप्लोजन के बाद दोनों तारे आपस में मर्ज हो जाएंगे और उनकी जगह पर एक नया और पहले से भारी तारा रह जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के हिसाब से एक एरर आता है। हो सकता है कि ये विस्फोट अभी ना होके कई सालों बाद हो, या हो सकता है कई दशकों बाद हो। जो भी हो, लेकिन सुपरनोवा एक भयानक घटना है, क्योंकि इससे हमारे ग्रह को बहुत ही क्षति पहुंच सकती है। क्योंकि सुपरनोवा विस्फोट में जो सबसे खतरनाक होता है वो है गामा रे। अगर पृथ्वी के किसी पड़ोसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है और जब गामा रे पृथ्वी के पास से गुजरेंगी तो ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को ही खत्म कर देंगी और ओजोन लेयर को भी क्षति पहुंचा देंगी, जिससे पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज बढ़ जाएंगी। इस परिस्थिति में पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जीवन खतरे में आ जाएगा। लेकिन बुरी खबर ये है कि ऐसा एक्सप्लोजन जल्द ही कभी भी हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह घटना हमसे बहुत दूर होगी। रात के आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, जिसका नाम है बीटलज्यूस, जो हमारे सूर्य से 17 गुना बड़ा है और 8.5 बिलियन साल पुराना है। ये तारा अभी अपने अंतिम दिनों में है और इसका फ्यूल खत्म होने वाला है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तारे में कभी भी अगले 10,000 सालों में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है। अब इसमें सुपरनोवा विस्फोट आने वाली कुछ सदियों में भी हो सकता है या आने वाले कुछ दिनों में भी हो सकता है। जब ये तारा अपनी दम तोड़ेगा तब ये पल भर में कोलैप्स हो जाएगा और उसके बाद बहुत ही चमक के साथ एक्सप्लोड होगा। जब ये एक्सप्लोजन होगा तो रात में ऐसा लगेगा जैसे धरती पर एक और चांद आ गया हो। पृथ्वी से कई हफ्तों और महीनों तक हमें इसकी चमक दिखाई देती रहेगी। उसके बाद इसकी चमक धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और हमारी आंखों से ये ओझल होता जाएगा और ये एक न्यूट्रॉन स्टार बनकर रह जाएगा, जो कि हमारे सूर्य से 1.5 गुना भारी होगा। मानव इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना होगी जिसका मानव जाति साक्षी बनेगी। लेकिन बीटलज्यूस में होने वाले एक्सप्लोजन से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमसे 550 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिससे इससे निकलने वाली गामा रेज हमारे प्लैनेट को क्षति नहीं पहुंचा पाएंगी। लेकिन बीटलज्यूस में होने वाले एक्सप्लोजन से उत्पन्न शॉक वेव पृथ्वी के लिए खतरा बन सकती हैं। लेकिन ये भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि शॉक वेव को पृथ्वी तक पहुंचने में 6 मिलियन साल का वक्त लग जाएगा। जब हम बीटलज्यूस में एक्सप्लोजन को देखेंगे तो वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक घड़ी होगी। लेकिन फैक्ट ये होगा कि जब हम उस इवेंट को देखेंगे तो बीटलज्यूस का अस्तित्व लगभग 550 साल पहले ही खत्म हो चुका होगा। अगर सीधे सीधे कहूं तो हो सकता है कि बीटलज्यूस में एक्सप्लोजन कई सौ साल पहले हो चुका हो और उस एक्सप्लोजन से निकलने वाला प्रकाश अभी तक हम तक पहुंचा ही ना हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के अतीत में 500 मिलियन साल पहले ओडोविशियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन घटना घटी थी, जिसमें 60% मरीन लाइफ खत्म हो गई थी और उस घटना में 85% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। पृथ्वी पर वो विनाश किसी तारे में एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था और वो एक्सप्लोजन कोई सुपरनोवा नहीं था, बल्कि वो था एक हाइपरनोवा। हाइपरनोवा विस्फोट सुपरनोवा से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। हाइपरनोवा विस्फोट हमारे सूर्य से 100 से 150 गुना बड़े तारे में होता है। लेकिन ऐसे तारे बड़े ही रेयर होते हैं और हमारी गैलेक्सी में बहुत ही कम है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हाइपरनोवा विस्फोट हर 200 सालों में एक बार होता है और जब भी होता है तो वो दूर दूर तक मौजूद प्लैनेट्स को तबाह कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।